आरबीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर आज अपने एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। आपको गिवन है एक सर्किल जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस आर इक्वल टू कितनी गिवन है आपको, यह आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना आपको, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल। तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr। वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2πr की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर दो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम है 0.5 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 0.5 से करेंगे 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.5, तो 3.5 को स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम है 0.5 टाइम, ठीक है। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, कितना जाएगा देखो, कितना जाएगा 38.5। और एरिया तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज नंबर 15.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। आपको गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, क्या गिवन है सॉल्यूशन देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, यह आपको गिवन है कितनी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू कितना है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से अपन रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आर को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, 44/7 यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 इंटू 22 क्या है मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर दो इनको, ठीक है। 22 से 44 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई अपने पास में, आर इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रेडियस फाइंड नहीं करनी है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व करो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 22 को 7 से, कितना देगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना देगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल शेप्ड प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरिमीटर। आपको एक सेमी सर्किल शेप में प्लॉट गिवन है जिसकी रेडियस है कितनी 21 मीटर, आपको इसका एरिया फाइंड करना है और इसका पेरिमीटर फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस आर इक्वल टू कितनी गिवन है आपको 21 मीटर, ठीक है। सबसे पहले अपन इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल
प्लॉट, ठीक है। देखो अगर ये प्लॉट अपने पास में सर्किल शेप में होता तो इसका एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये अपने पास में किस शेप में, सेमी सर्किल यानी कि हाफ सर्किल शेप में, इसका मतलब इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। वैल्यू पुट करो 1/2 आई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर कर दो, सोल्व करो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से 21 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 21 इंटू 3 63, 63 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, कितना जाएगा 693 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया तो यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लॉट कितना गया 693 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्लॉट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कैसे फाइंड करेंगे, देखो पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, ये बाउंड्री अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये सर्किल होता तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाती, 2πr हो जाती, क्या हो जाती, 2πr, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हाफ सर्किल, तो इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया पाई आर। ये तो अपने पास में ये चीज आ गई, जो सर्कमफेरेंस दिख रही है आपको, ये चीज तो आ गई कितनी, पाई आर। लेकिन अपने पास में ऊपर डायमीटर भी है, तो अपन क्या करेंगे, डायमीटर को एड कर देंगे 2r, 2r का मतलब डायमीटर, d इक्वल टू 2r। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर प्लस 2r। किसका फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2r, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 21 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 21, ठीक है। सोल्व कर दो, 7 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 22 इंटू 3 66 प्लस 2 इंटू 21 42, एड कर दो 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108 मीटर, ये आ जाएगा अपने पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 15.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन या रिवोल्यूशन इक्वल होता है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के, ठीक है। एक व्हील जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, यानी कि एक जब भी यहां से घूमना स्टार्ट करेगा, जहां पे भी आएगा, जब एक चक्कर लगा लेगा, वो उसकी सर्कमफेरेंस की लेंथ के इक्वल होगा डिस्टेंस, ठीक है। एक व्हील, एक टायर एक चक्कर लगाने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ए व्हील ऑफ ए स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रिवोल्यूशंस, ठीक है। एक स्कूटर है जिसका जो टायर है वो 100 टाइम चक्कर लगाने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 88 मीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, आपको व्हील की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल कितने चक्कर लगा रहा है वो 100, तो अपन सबसे पहले वन चक्कर की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 100 रिवोल्यूशन इक्वल टू 88 मीटर, यानी कि जब वो 100 चक्कर लगा रहा है तब कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 88 मीटर, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, देखो वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है। तो अपन वन रिवोल्यूशन की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या करोगे, 88 को डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। यह आ जाएगी अपने पास में वन रोटेशन की डिस्टेंस, ठीक है। ये इक्वल होगी किसके, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इक्वल टू
सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होगी, वन रोटेशन के या वन रिवोल्यूशन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो किसके इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील के। कितनी आई ये 88 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, आप देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू कितना है 88 अपॉन 100 ठीक है मीटर। सॉल्व कर दो इसको, 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इनटू रेडियस तो आपको फाइंड करनी है, तो आर लिख दो इसको इक्वल टू 88 अपॉन 100 और सॉल्व कर दो, आर को तो यहीं पे छोड़ दो बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, इधर अपने पास में 88 अपॉन 100 ठीक है 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर दो इनको ठीक है 22 से 88 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 7 इंटू 2 14 14 अपॉन 100 मीटर, कितना आ गया 14 अपॉन 100 मीटर। ठीक है और सॉल्व करते हैं इसको, अपने पास में रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, r इक्वल टू आ गया 14 अपॉन 100 मीटर। ठीक है सॉल्व कर दो, r इक्वल टू कितना 0.14 मीटर, रेडियस कितनी आ गई अपने पास में r इक्वल टू 0.14 मीटर। ठीक है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, r इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप मीटर में भी रख सकते हैं इसको। एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है क्या है क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। आपको सर्कल का एरिया गिवन है तो सॉल्यूशन देखो इसका, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है आपको, सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है। ठीक है सर्कमफेरेंस के लिए अपने को सबसे पहले रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना है 154। ठीक है यहां से अपन रेडियस फाइंड कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर को मैंने यहीं पे छोड़ दिया बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, 154 इंटू 7 अपॉन 22, 22 से 154 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49। ठीक है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू अंडर रूट 49, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, वैल्यू पुट करो 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है इनटू रेडियस की वैल्यू 7। ठीक है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इनटू 22 44 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी आएगी 44 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है